1965 का युद्ध हमारे लिए एक आंख खोलने वाला एक्सपीरियंस था। इस युद्ध ने हमें दिखाया कि हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कितनी कमजोर है। हमें एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो चुपके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और दुश्मन की चालों को पहले ही जान सके। ये युद्ध हमारे लिए एक लेसन था। इसने हमें अपनी कमजोरियों का एहसास कराया। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से हम लड़खड़ा रहे थे। हमें एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सीक्रेट एजेंसी की जरूरत साफ दिख रही थी। इस एजेंसी को दुश्मन पर नजर रखनी होगी। ये भारत की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी था। रॉ का जन्म, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यह कहावत तब सच साबित हुई जब भारत को एक मजबूत और गुप्त खुफिया एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई। 1965 के युद्ध के बाद भारत सरकार ने डिसाइड किया कि एक सीक्रेट एजेंसी बनाई जाए जो देश को सुरक्षित रखे। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश को एक डेडिकेटेड खुफिया एजेंसी की जरूरत है जो बाहरी खतरों से निपट सके। और इस तरह 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का जन्म हुआ। यह एजेंसी भारत की सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बनाई गई थी। रॉ को सीक्रेटली बनाया गया था। इसकी स्थापना के समय इसकी गतिविधियों को गुप्त रखा गया ताकि इसके ऑपरेशंस पर कोई असर न पड़े। इसका मकसद था भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और बाहरी खतरों से लड़ना। रॉ ने देश की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और रणनीतियां बनाई। शुरुआत में रॉ के पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन इसके बावजूद एजेंसी ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन इसके एजेंट्स में जोश और देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। ये एजेंट्स अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। रॉ का काम था सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। इसके एजेंट्स ने विभिन्न स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई, दुश्मन के प्लान्स का पता लगाना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना। रॉ ने कई बार दुश्मनों की योजनाओं को नाकाम किया और देश को सुरक्षित रखा और भारत के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना। रॉ ने समय समय पर रणनीतिक कदम उठाए और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इस एजेंसी ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से भारत को कई खतरों से बचाया। रॉ के संस्थापक रामेश्वर नाथ काव। रॉ के पहले चीफ थे रामेश्वर नाथ काव। काव एक एक्सपीरियंस सीक्रेट एजेंट थे जिन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस में काम किया था। काव ने रॉ की नींव मजबूत की और इसे एक पावरफुल एजेंसी बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने रॉ के स्ट्रक्चर को डिजाइन किया और इसके काम करने के रूल्स बनाए। काव का मानना था कि रॉ को सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि जरूरत पड़ने पर एक्शन भी लेना चाहिए। उनकी लीडरशिप में रॉ ने कई इंपॉर्टेंट मिशंस को अंजाम दिया और देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। रॉ में भर्ती परछाई में बेस्ट की तलाश। रॉ में भर्ती होना एक बहुत ही सीक्रेट प्रोसेस है। एजेंसी उन कैंडिडेट्स को ढूंढती है जो बुद्धिमान और साहसी तो हों ही, साथ ही देशभक्त और ईमानदार भी हों। रॉ में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत ही टफ फिजिकल और मेंटल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं, जैसे रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। रॉ अपने एजेंट्स की आइडेंटिटी सीक्रेट रखता है। एजेंट्स को अपने काम के बारे में किसी से बात करने की परमिशन नहीं होती, यहां तक कि अपने परिवार से भी नहीं। यही गोपनीयता रॉ की सक्सेस का सीक्रेट है। गुप्त एजेंट का निर्माण, कठोर प्रशिक्षण और स्किल्स डेवलपमेंट, यह एक ऐसा सफर है जो डेडिकेशन, परसिवियरेंस और इमेंस हार्डवर्क की मांग करता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो उन्हें एक सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट बनने के लिए तैयार करता है। ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस, एंड्यूरेंस और एजिलिटी को बढ़ाने के लिए इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइजेस शामिल होते हैं। हथियार चलाना, निगरानी, कोड तोड़ना और टैक्टिकल मैन्यूवर्स सीखना भी इस ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एजेंट्स को हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है ताकि वे किसी भी स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकें, और अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना शामिल है। मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी एजेंट्स को ग्लोबल ऑपरेशंस में मदद करता है, जिससे वे विभिन्न देशों में आसानी से घुल मिल सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। एजेंट्स को हर तरह की सिचुएशन में खुद को ढालने और प्रेशर में शांत रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और हाई प्रेशर सिनेरियोज में डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी विकसित किया जाता है। उन्हें अलग अलग डिस्गाइजेस में रहना और अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ रहने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है।
यह उन्हें अंडरकवर ऑपरेशंस में सफल होने के लिए तैयार करता है, जहां उनकी पहचान छुपाना बेहद जरूरी होता है। रॉ का ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया के सबसे टफ प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। यह प्रोग्राम एजेंट्स को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार करता है, चाहे वह फिजिकल हो या मेंटल। ये एजेंट्स को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, ताकि वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकें। ट्रेनिंग के दौरान एजेंट्स को एंड्यूरेंस, रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी सिखाई जाती है, जिससे वे किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टिके रह सकें। अंत में एजेंट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में फील्ड ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है, जहां वे अपने सीखे हुए स्किल्स का उपयोग करके मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। यह रिगरस ट्रेनिंग उन्हें एक इलीट सीक्रेट एजेंट बनाती है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। रॉ एजेंटों का काम रिस्की, सीक्रेट और देश के लिए समर्पित। रॉ एजेंट्स देश की सेफ्टी के लिए कई रिस्की काम करते हैं। उन्हें अक्सर दुश्मन देशों में सीक्रेटली जाना पड़ता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है और टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकना पड़ता है। रॉ एजेंट्स को अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। उन्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और अपनी असली पहचान छुपाकर रखनी पड़ती है। रॉ एजेंट्स का काम सीक्रेट होता है। उनके मिशंस के बारे में बहुत कम जानकारी पब्लिक की जाती है। ये गुमनाम हीरो देश की सेफ्टी के लिए चुपचाप काम करते हैं। रॉ बनाम ISI, दो ताकतों का टकराव। रॉ और पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI के बीच हमेशा से कॉम्पिटिशन रहा है। दोनों एजेंसीज अपने अपने देशों के हितों की रक्षा के लिए काम करती हैं और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ सीक्रेट मिशंस चलाती हैं। रॉ और ISI के बीच टकराव साउथ एशिया की पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दोनों एजेंसीज इस रीजन में पावर के लिए लड़ती हैं और एक दूसरे के प्लान्स को फेल करने की कोशिश करती हैं। यह कॉम्पिटिशन दोनों देशों के बीच टेंशन का एक बिग रीजन है। दोनों एजेंसीज को शांति बनाए रखने के लिए समझदारी से काम करने की जरूरत है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुड्ढा, रॉ की एक शानदार सक्सेस। 1974 में भारत ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे स्माइलिंग बुड्ढा के नाम से जाना जाता है। यह ऑपरेशन रॉ ने अंजाम दिया था और यह भारत की सीक्रेट कैपेबिलिटीज का सबूत था। रॉ ने इस ऑपरेशन को पूरी सीक्रेसी से अंजाम दिया। अमेरिका और दूसरे देशों को इस टेस्ट की भनक तक नहीं लगी। यह ऑपरेशन रॉ की पावर और स्किल्स दिखाता है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक स्ट्रॉन्ग और केपेबल नेशन है। कारगिल युद्ध, रॉ की दूरदर्शिता और भारत की जीत। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत की सैन्य और खुफिया क्षमताओं को परखा। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडियन एरिया पर कब्जा कर लिया। यह एक सुनियोजित हमला था जिसे पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अंजाम दिया। यह कारगिल युद्ध की शुरुआत थी। दुश्मन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिससे भारतीय सेना के लिए चुनौती और भी बढ़ गई थी। रॉ को इस अटैक का पहले ही पता चल गया था और उसने इंडियन गवर्नमेंट को वार्न कर दिया था। रॉ की इस दूरदर्शिता ने भारतीय सेना को समय पर तैयार होने का मौका दिया। रॉ ने युद्ध के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उसने दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। इसने इंडियन आर्मी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिससे इंडिया को युद्ध जीतने में हेल्प मिली। रॉ की जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बनाई और दुश्मन को करारा जवाब दिया। रॉ के एजेंट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के एरियाज में घुसे और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इन जासूसों ने दुश्मन के ठिकानों, उनकी संख्या और उनकी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। इस इन्फॉर्मेशन ने इंडियन आर्मी को दुश्मन के ठिकानों पर अटैक करने और युद्ध जीतने में हेल्प की। भारतीय सेना ने रॉ की जानकारी का उपयोग करके दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः रॉ की दूरदर्शिता और भारतीय सेना की बहादुरी ने मिलकर भारत को इस युद्ध में विजय दिलाई। यह युद्ध न केवल भारतीय सेना की ताकत का प्रतीक था, बल्कि रॉ की खुफिया क्षमताओं का भी प्रमाण था। रॉ के गुमनाम नायक मातृभूमि की सेवा में समर्पित। रॉ के कई एजेंट्स ने देश की सर्विस में अपनी जान दे दी। ये गुमनाम हीरो अपनी पहचान सीक्रेट रखते हुए देश की रक्षा के लिए चुपचाप काम करते हैं। रॉ के एजेंट्स को अक्सर डेंजरस मिशंस पर भेजा जाता है, जहां उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, लेकिन ये ब्रेव सोल्जर्स बिना किसी स्वार्थ के अपने ड्यूटी निभाते हैं। हमें इन गुमनाम हीरोज के शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने देश की सेफ्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी शहादत हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी।
कंक्लूजन, रॉ भारत का साइलेंट प्रोटेक्टर। रॉ भारत की एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एजेंसी है। ये एजेंसी देश की सेफ्टी के लिए चुपचाप काम करती है और बाहरी खतरों से हमारी रक्षा करती है। रॉ के एजेंट्स देशभक्त और ब्रेव होते हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं। हमें रॉ के काम और बलिदान का सम्मान करना चाहिए। ये एजेंसी हमारी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।